इस आयोजन के लिए। जैसे कि मैं दो लाइनों में अपना परिचय देता हूँ कि अपने ही वजूद से झाड़ा हुआ एक जिद्दी जर्द मैल हूँ, अपने ही वजूद से झाड़ा हुआ एक जिद्दी जर्द मैल हूँ, सख्त तो नहीं फितरत से बस नाम से शैल हूँ। जी मेरा नाम शैल है। जैसा कि आज का ये थीम रखा गया है कि किसी एक क्या बोलते हैं कि जो आपको इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर्ड टू राइट टू लिसन टू स्पीक, तो वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा शायर नहीं है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी एक का नाम लेना मेरे लिए तौहीन होगा। लेकिन चूँकि मैं मंच पे हूँ तो आज के टाइम में अगर एक कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित किया है आज के टाइम में, जिनको देख करके आज यूथ आइकन इन्हें माना जाता है, डॉक्टर कुमार विश्वास, उन्होंने मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। क्या बोलते हैं कि बहुत लोग उनको कहते हैं कि वो एक मंचीय शायर हैं, कवि हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े विद्वत हैं अपने आप में। तो उनकी कुछ हालांकि एक उनकी बुक है कोई दीवाना कहता है, जिससे उनको फेम मिला था, तो इसी से मैं कुछ मुख्तार उनके हैं जिससे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले वो मुख्तार जिसने उनको नेम फेम दोनों दिया वो ये है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, अगर आप लोग साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अत मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, अमरता चाहते थे पर गरल पीना नहीं आया, तुम्हारी और मेरी दास्ता में फर्क इतना है, मुझे मरना नहीं आया तुम्हें जीना नहीं आया। और इश्क़ वालों क्या समझते हैं उसको देखिएगा, तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ, तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ, तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन नहीं लेकिन, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं लेकिन, तुम्ही को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूँ। अंत में उन्होंने ये कहा है कि हम पूरे जीवन कुछ भी कर लें, कुछ भी समेट लें, लेकिन अंत में क्या साथ लेकर जाएंगे, वो उन्होंने कहा है कि नजर में सोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है, कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है, सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। पहले फिल्म मैं बचपन से तो लिखता आया हूँ, क्या बोलते हैं स्टेज का कभी फियर नहीं रहा, लेकिन स्टेज पे कैसे प्रेजेंटेशन होता है इन्हीं से देखकर बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद मेरी एक नज़्म है, अभी कुछ मैंने लिखा था मैंने, तो वो सुनाना चाहूँगा। अच्छा, हर एक आदमी के लाइफ में रिग्रेट ये रहता है कि मैं जब वो टाइम बीत जाता है तो सोचता हूँ यार मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, अगर मैं ये उस समय मैंने ये कर लिया होता तो सही रहता, तो जो एक रिग्रेट होता है उसके लिए एक लेसन लिखा है कि मेरी जान तुम बहुत सोचती हो, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो, पेशानी से सिकन नोचती हो, देर सा लम्हा फिसल जाता है फिर किस्मत को कोसती हो, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो, जब जो वक्त था तब वो किया नहीं, जब जो वक्त था तब वो किया नहीं, जिंदगी थी सामने तुमने ही जिया नहीं, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो, फिर भला क्यों अब आह रोके मन को मसोचती हो, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो,
वो जो रूठ जाएगा, वो तुम सोचते हैं ना। अच्छा क्या होता है कि मन में कभी कभी होता है कि मैं कह दूं, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको रोक लेते हैं। तो मेरा ये बड़ी एडवाइस है कि बोल देना चाहिए कि वो जो रूठ जाएगा उससे रिश्ता टूट जाएगा, सब समेटने के फिराक में समझो सब छूट जाएगा। साथ देता कौन गर्दिशों में सब मतलब के यार ठहरे, साथ देता कौन गर्दिशों में सब मतलब के यार ठहरे, इतनी सी बात भला तुम कहाँ समझती हो, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो, मेरी जान तुम बहुत सोचती हो। सोचना है तो ये सोचो, क्या सोचना है, सोचना है तो ये सोचो, क्यों दुनिया में आई हो, किसने समझा तुमको अपना, किसके लिए पराई हो, खिलखिलाओ मुस्कुराओ, चांदनी घटा घाट में दिया, ये और ये रंगीन दुनिया, ये जो भी सारे रास्ते हैं सब तुम्हारे वास्ते हैं, ये रिश्ते नाते और घर परिवार, ये भीड़ और ये बाजार, समय के तेज धार में सब बह जाएंगे, फिर क्यों इतना सोचती हो, मेरी जान बहुत सोचती हो, मेरी जान बहुत सोचती हो। और एक आखिरी में एक गीत मैंने लिखा है कि कहते हैं प्रेम शाश्वत होता है, मतलब आज क्या बोलते हैं हम एक उम्र कैसे क्या बोलते पड़ाव पे हैं, जहाँ चार्म है, वार्म है, फेमस है, क्या बोलते फेम है, नाम है, दोस्त नाते रिश्तेदार सब होते हैं। अच्छा जब हम अपने लाइफ के पीक पे होते हैं तो हमें हर कोई प्रेम करता है, लेकिन हर आदमी एक चाहता है कि उसके जीवन में एक ऐसा आदमी हो, एक ऐसा शख्स हो जो उसको मरघट तक उसको प्रेम करे। तो मैं ऐसे एक प्रेमी बनना चाहता हूँ, उसमें गीत लिखा है कि जब जीवन के सारे अनुभव झुर्रियों में परिवर्तित हो, जब जीवन के सारे अनुभव झुर्रियों में परिवर्तित हो, जब दो पग चलना दूभर हो, सहसा हर पथ जब विचलित हो, तब भी तुमको प्रेम करूंगा, तब भी तुमको प्रेम करूंगा, जब केश तेरे हो जाए श्वेत, जब केश तेरे हो जाए श्वेत, आंखें ना पढ़ पाए जब भेद, मध्यम हो जाए आभाए, हृदय लगे जब ऊसर खेत, तब भी तुमको प्रेम करूंगा, तब भी तुमको प्रेम करूंगा, जब सारे रिश्ते खो जाएं, जब सारे रिश्ते खो जाएं और नींदें ओझल हो जाएं, जब काटे पल पल खाली पन मन नेह को आकुल हो जाए, तब भी तुमको प्रेम करूंगा, तब भी तुमको प्रेम करूंगा। आखिरी बंदिश गीत का ये है कि जब सांसें भारी हो जाएं, जब सांसें भारी हो जाएं, जीना लाचारी हो जाए, रोग जकड़ ले अंग अंग, जब देह मशान सा हो जाए, मैं तब भी तुमको प्रेम करूंगा, मैं तब भी तुमको प्रेम करूंगा।